Good morning, dear students. How are you all? So now we are going to discuss about the next topics. We were discussing about the Indian Constitution, and open your book, page number 11. ठीक है, तो पेज नंबर 11 पे आ जाओ. We were discussing about the key features of Indian Constitution. हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? Key features. यानी के अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट क्या है? फेडरलिज्म. क्लियर? तो पहले तो पेज नंबर 11 पे आप बिगिनिंग से स्टार्ट करो, क्योंकि की फीचर का लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट पैरा कर लिया था. सेकंड पैरे से आ जाओ. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. तो मैंने आपको बताया था 1946 में ब्रिटिशर्स के कहने के बाद हमने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म करना शुरू कर दिया. ठीक है, इलेक्शन करवाए ऑल ओवर इंडिया. सो दीज मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम. अब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमने बनाई थी, उसके आगे एक बहुत बड़ा काम था. काम का था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का. अब इसको बहुत बड़ा काम क्या है, बहुत बड़ा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ कोई ऐसे किताब में कॉपी मारने वाला काम नहीं था. भाई कहीं से देख के कुछ लिख दिया. पहले तो सोचे गए भाई क्या क्या रूल उठाए जाएं. ठीक है, किस किस तरह के रूल होने चाहिए. फिर इंडिया में आपको पता है इतने रिलीजन के, इतने कास्ट के लोग रहते हैं, इतनी वैरायटी है, इतने रीजनल लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, इतने तरह के लोग हैं. आप उन सब के कल्चर को ध्यान में रखना है, यानी कि जो रूल बने सब एक्सेप्ट करें उसको. किसी के भी जो इंटरेस्ट हैं वो हिट नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो बहुत केयरफुली काम करना था. सो द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो बहुत सारी भाषाएं हम बोलते हैं. बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर. ऑल्सो वेन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बींग रिटन, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल. ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये था कि इंडिया में बहुत कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत रिलीजन के लोग हैं, बहुत बोलियां भाषा बोलने वाले लोग हैं. ठीक है, तो उन सब का ध्यान रखना था. एक प्रॉब्लम ये था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पूरे कंट्री में दंगे चल रहे थे. ठीक है, क्योंकि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, बट जो इंडिया था वो दो पार्ट में डिवाइड भी हो गया. एक बना इंडिया, एक बना पाकिस्तान. ठीक है, तो इंडिया में उस समय क्या चल रहा था, दंगे चल रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी, बहुत बुरा हाल चल रहा था उस टाइम पे. सो द पार्टीशन ऑफ कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट. सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेंड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर. एक क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि पूरे इंडिया में, अब उस टाइम पे पूरा इंडिया जो था वो दो तरह से था. एक तो वो एरिया थे जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, एक वो एरिया थे जहाँ पे राजाओं का रूल था. ठीक है, तो वो जो रियासतें थी, कुल मिला के 600 रियासतें थी. उनमें से जो ब्रिटिशर्स ने क्या अपनी तरफ से दे दिया, भाई हमारी तरफ से किसी को कोई दबाव नहीं है, जो इंडिया में रहना चाहे इंडिया में रहो, पाकिस्तान में रहना चाहे कोई रियासत पाकिस्तान में मर्ज हो जाओ, या किसी ने इंडिपेंडेंट रहना है इंडिपेंडेंट रहो. ठीक है, तो कुछ रियासतों ने क्या किया था कि उनके फ्यूचर क्लियर नहीं थे, भाई वो क्या करना चाह रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट रह रहे हैं या इंडिया में आएंगे पाकिस्तान में जाएंगे. सो एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर डिस्मल. एंड बहुत जो लोगों का उस टाइम पे सोशली एंड इकोनॉमिकली जो सेक्शन था वो काफी वीक चल रहा था. ठीक है, All of these issues played on the minds of the members of Constitution Assembly as they drafted the Constitution. तो वो सारी बातें Constitution Assembly के members को ध्यान में रखनी थी. ठीक है, उन पर उनको ध्यान रखना था. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. तो क्या था, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट उन्होंने बना के दिया जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको कैटर भी करता है और यूनिटी को भी मेंटेन करता है.
एंड द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म एज वेल एज एम्फेसाइजिंग द क्रूशियल रोल द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. ओके, सो द पॉवर्टी थ्रू इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी क्या था उस कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ तो लिखे ही गए, प्लस में इस बात पे भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया कि गवर्नमेंट ऐसे सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेगी जिससे गरीबी कम हो, ठीक है, गरीबी दूर हो, एंड एज वेल एज एम्फेसाइजिंग द क्रूशियल रोल द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. और डेमोक्रेसी बना, यानी कि जो रूलर्स होंगे, मेंबर होंगे पार्लियामेंट के, उनको कौन इलेक्ट करेगा, वो लोग ही इलेक्ट करेंगे, ठीक है. तो लोगों के ऊपर भी एक काफ़ी फोकस किया, उनको पावर दिया कि वो अपना रूलर खुद चुने. सो लिस्टेड बिलो आर की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वाइल रीडिंग दीज कीप इन माइंड द अबव मेंशन कंसर्न ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. तो नीचे अपने को कुछ फीचर्स दिए हैं, जो कि ऊपर जो बातें अभी हमने की हैं कि अलग अलग तरीके के लोग थे, सबका ध्यान रखना था, तो सबको ध्यान रखते हुए ये पॉलिसीज जो हैं वो बनाई गई हैं, ठीक है. दैट द ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विद, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वे इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दीज कंसर्न विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इन टू स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी. तो इसमें आप देखो कैसे उन्होंने एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया, जो कि उनका एक जो कमिटमेंट था इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी में ट्रांसफॉर्म करने का, तो किस तरह से उन्होंने उसको किया, क्या क्या मेजर फीचर दिए, क्या क्या फैसिलिटी लोगों को मिली, क्या क्या फैसिलिटी पार्लियामेंट को मिली, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया. तो फर्स्ट आता है फेडरलिज्म. ओके, फेडरलिज्म, दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म का मतलब क्या हो गया, आप ये लाइन दोबारा पढ़ो. दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल गवर्नमेंट इन द कंट्री, यानी कि कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होना. जैसे आप देखो, मान लो पूरा जो इंडिया है, पूरे इंडिया के लिए क्या है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट में वो बैठते हैं, वहाँ पे वो सारी डिस्कशन करते हैं, एंड जो पॉलिसीज बनती हैं वो कहाँ बनती है, पार्लियामेंट में, ठीक है. वो पूरे इंडिया के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं. फिर तुम्हें पता है इंडिया बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है, टोटली कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है. हर स्टेट में गवर्नमेंट होती है जिसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी हो गए, इसके अलावा जो हमारे होम मिनिस्टर हैं या फिर डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो जो डिसीजन लेते हैं वो पूरे कंट्री के रिगार्डिंग लेते हैं. उसके बाद जो स्टेट में होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, जैसे सीएम जिसका हेड होता है, सीएम चीफ मिनिस्टर, जैसे हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है. तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम है. हर स्टेट में अलग अलग सीएम होता है, पंजाब में अमरिंदर सिंह है, अशोक गहलोत राजस्थान में है, तो हर जगह अलग अलग सीएम है. तो वो स्टेट के रिगार्डिंग फैसले लेते हैं, और वो कहाँ बैठते हैं, उनको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है. जैसे हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ है, चंडीगढ़ में, ठीक है. तो अपने हरियाणा के मिनिस्टर अलग हैं, चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा अनिल विज, ठीक है, ये क्या है, हमारे कुछ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है. फिर अब ये इनकी पावर जो है वो भी अप्लाई होती है, इनकी भी पावर डिसाइडेड है, ठीक है. हाँ ये है, ये अपर लेवल पे है और स्टेट गवर्नमेंट इससे निचले लेवल पे है. अब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टें बना रखी हैं. एक होती है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक है उस पर कौन कानून बनाएंगे, ये कानून बनाएगी.
एक है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे कौन कानून बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं फेडरलिज्म, जब सेंटर और स्टेट में या निचले लेवल पे भी अगर कोई गवर्निंग बॉडी है तो उस तक जो पावर है वो दी जाए और वो डिफाइन हो भाई कौन किस तक काम कर सकता है, ठीक है। सो इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड यू हैव रेड अबाउट दिस इन योर क्लास सिक्स बुक। आपने पंचायती राज के बारे में पढ़ा है, ये तो हो गया स्टेट। अब इससे नीचे एक और लेवल होता है उसको कहते हैं पंचायती राज, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो अब स्टेट में क्या होते हैं, अंदर गांव होते हैं, जिले होते हैं, उनमें अलग गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। अलग हम लोग मेंबर इलेक्ट करते हैं। सो वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन क्लास सेवंथ बुक। आपने सेवंथ में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ही पढ़ा था। एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस बार हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मीन्ट दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइज्ड दैट डिडंट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। अब क्या है, अब द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मीन्ट दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइज्ड। भाई जो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं वो क्या चाहती हैं, वो ये चाहती हैं कि जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो बंटना चाहिए। दैट डिडंट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी, वो न सिर्फ जो इंडिया की कैपिटल सिटी है न्यू दिल्ली वहाँ बैठे हुए लोग, बल्कि डिसीजन फॉर एवरीवन। यानी कि ऐसा ना हो कि बस वहाँ दिल्ली में बैठे हुए बंदे ही पूरी कंट्री के लिए डिसीजन लें, ठीक है। उनका क्या कहना था, क्योंकि अब मान लो कोई बंदा मेघालय में रहता है, ठीक है, वहाँ के जो लोकल इश्यूज होंगे वो वहाँ के लोकल लीडर्स को ही पता होंगे ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए बेटर क्या रहेगा कि वहाँ के लोकल गवर्नमेंट अगर हो वो ज़्यादा बेटर उस काम को करेगी। इंस्टीड इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स। तो इसीलिए क्या हुआ कि एक तो दिल्ली में बैठ के पूरे कंट्री के रिगार्डिंग फैसले लें, एक बेटर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट भी हो जो पर्टिकुलर स्टेट के रिगार्डिंग डिसीजन ले, सो दैट डिसीजन कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉय ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर ऑन सर्टेन इशूज, और इसे जो स्टेट हैं उनकी एक ऑटोनॉमी है, यानी कि उनके पास पावर है, वो अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं कुछ इश्यूज पे। सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर दैट ऑल ऑफ दी स्टेट्स फॉलो द लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पर अगर कोई ऐसा फील्ड है, ऐसा लॉ है जो नेशनल सब्जेक्ट का है, मान लो डिफेंस की बात आ जाए, तो डिफेंस की बात जब आएगी तो वहाँ पे स्टेट क्या कुछ नहीं करेगा, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी जो करना है, और स्टेट को वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो मानने पड़ेंगे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट दैट डिटेल द इशू, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, लिस्टें हैं, ठीक है, तीन लिस्टें हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट दैट डिटेल द इशू दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज, ठीक है। देखो इसमें क्या है, वो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाई वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिसाइड करता है कि स्टेट में एंड सेंटर में जो पैसा है वो किस फील्ड में या किस लेवल पे कौन लगाएगा। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। तो जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो सिर्फ फेडरलिज्म लेवल पे एक सिर्फ एजेंट की तरह काम नहीं करती, बल्कि एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है, उनके पास भी रूल मेकिंग पावर होती है। सो ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न बाय लॉ एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो उनको भी अपने लॉज के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, सॉरी, ठीक है।
तो वो भी लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, मनमर्जी से काम वो भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो क्या बात बताई हमने, ये हमने किया है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या होता है कि सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है और जो लोअर लेवल पे पंचायती राज सिस्टम है, उसमें पावर कैसे डिवाइड होगी, किस टॉपिक पे कौन सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी या स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी या फिर लोअर लेवल पे जो, जैसे कि मान लो टोहाना है, टोहाना में क्या है, म्यूनिसिपल कमेटी है, हर वार्ड से एक एक एमसी को चुना है, ठीक है। तो टोहाना लेवल के जो फैसले है वो म्यूनिसिपल कमेटी लेगी, ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल। उसके बाद आता है सेकेंड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, देखो अपने पास क्या है कि जो की फीचर है, फर्स्ट फेडरलिज्म, सेकेंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर। अब जैसे अभी मैंने आपको फेडरलिज्म का बता दिया, ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पावर, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पावर, उसके सॉरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड आ गया सेपरेशन ऑफ पावर, फोर्थ आ गए फंडामेंटल राइट्स, और फिफ्थ फीचर क्या है, सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, अब हम करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे जो रूलर है, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, वो अपनी मर्जी से नहीं पीएम या सीएम बन गए, उनको किसने पीएम सीएम बनाया, हमने वोट दे के चुन के भेजे उनको, ठीक है। तो इसी तरह पूरे इंडिया से मेंबर चुने जाते हैं, वो फिर पार्लियामेंट फॉर्म करते हैं और पूरे कंट्री के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं। सो द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो चाहे कोई भी टायर पे गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, पंचायती राज वाले सिस्टम पे है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पे क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि हमने चुन के भेजे हैं। योर क्लास सेवन्थ बुक बिगेन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वॉज स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। आपने लास्ट बुक में कांता वाली स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है। एक यहाँ पे भी आपकी पिक्चर में भी यही दिखाया गया कि लोग वोट देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आया है, वो क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं वयस्क मताधिकार। इसका मतलब है इंडिया में किसी को भी डिप्राइव नहीं किया राइट टू वोट से, सबके लिए यूनिवर्सल सा फिनोमिना लगाया। इंडिया में जो भी 18 ईयर से अबव हो जाएगा वो वोट देने का अधिकार रखता है, उसके पास राइट टू वोट आ जाएगा। उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको राइट टू वोट मिल जाएगा, वो वोट दे सकता है। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ठीक है, सो व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मासेस फॉर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज एंड दैट दिस वुड हेल्प एनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट। तो जो नेशनलिस्ट थे, जो लीडर्स थे, उनको लगा भाई जो इतने सारे हमने मूवमेंट किए हैं, मास एजिटेशन हुए हैं, जन आंदोलन हुए हैं, तो लोग जो हैं अब कहीं ना कहीं काबिल हैं, तो उनको सबको राइट टू वोट मिलना चाहिए। तो सबको राइट टू वोट दिया गया, ठीक है। और किस लिए, ताकि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है वो एनकरेज हो एंड ब्रेक द क्लचेस ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट क्लास एंड जेंडर हायरार्की, ठीक है। और उन्होंने क्लास एंड जेंडर हायरार्की को तोड़ा। हायरार्की का मतलब क्या होता है, एक जो क्रम होता है, ठीक है। यानी पहले क्या होता था, जो मेनली पावर होती थी वो हाई लोगों के पास, अपर क्लास के लोगों के पास, ऊंची जाति के लोगों के पास ही होती थी,
ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, राइट टू वोट में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा, चाहे कोई भी रिलीजन है, कोई भी कास्ट है, कोई भी इनकम लेवल है, सबको राइट टू वोट दिया है। दिस मीन्स दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में जो गवर्नमेंट बनती है वो डायरेक्टली किसका रोल है उसमें, लोगों का है, क्योंकि हमने वोट दे के मेम्बर जिताए थे, उन जीते हुए मेंबरों में से ही आगे मिनिस्टर्स बन रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। सो ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। और इंडिया में किसी भी फील्ड, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट से बंदा हो वो इलेक्शन लड़ सकता है, किसी तरह की कोई मनाही नहीं है, ठीक है। सो दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू पीपल। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चुन के भेजे हैं ये लोगों के लिए जवाबदेह हैं, अगर कल को कोई पॉलिसी ठीक नहीं आएगी तो वो जवाबदेह होंगे, उनका जवाब देना पड़ेगा। एंड यू विल रीड मोर अबाउट वाई रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इन यूनिट टू ऑफ दिस बुक। अभी आगे चैप्टर आएंगे इसमें, चैप्टर नंबर 3rd and 4th वगैरह, तो उसमें हम ये बातें करेंगे, क्लियर। तो ये तो बात क्या हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट बनती है वो क्या होती है, वो चुन के गए हुए लोगों से ही बनती है, ठीक है। यानी कि फाइनल पावर गवर्नमेंट बनाने की या ख़त्म करने की किसके पास है, जनता के पास है, ठीक है। थर्ड आता है सेपरेशन ऑफ पावर। अब जैसे अभी हमने फेडरलिज्म किया उसमें मैंने आपको बताया कि क्या किया था, लिस्टें बनी हैं बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कि किस किस टॉपिक पे कौन सी पार्ट जो है वो अपने रूल बनाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने पावर का जो डिवाइडेशन किया है वो दो तरीके से किया है। देखो एक तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके तीन अंग हैं, ठीक है। आप देखो गवर्नमेंट के तीन अंग हैं, एक को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, एक को हम बोलते हैं लेजिस्लेचर और एक को हम बोलते हैं जुडिशरी, ठीक है। इन तीनों की पावर जो है वो ओरिजेंटल है, यानी तीनों की पावर अलग अलग है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, इसमें सारे मिनिस्टर्स आते हैं, मंत्री, इसमें सारे ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी जो इस कंट्री को रन कर रहे हैं, जो इस कंट्री की रनिंग में काम कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर जो कानून बना रहे हैं, चाहे ऊपर से लेके, यानी कि संसद से लेके, पार्लियामेंट से लेके, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर असेंबलीज एंड म्यूनिसिपल काउंसिल वगैरह, ये सब, ठीक है। और फिर आता है जुडिशरी। अब इंडिया में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिसमें कि सबसे हाई आती है सुप्रीम कोर्ट, फिर आती हैं हाई कोर्ट्स, फिर आते हैं लोकल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, जहाँ पे आप किसी भी तरह के मुकदमे दर्ज कर सकते हैं। तो इन सब का जो पावर है वो अपना अलग अलग है। तो आओ पॉइंट नंबर 3, सेपरेशन ऑफ पावर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। द लेजिस्लेचर रेफर टू आवर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। अब ये क्या होते हैं, जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है, जिनसे गवर्नमेंट बनती है, जो रूल बनाते हैं, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट। इसमें कौन आते हैं, जो गवर्नमेंट रन करते हैं, यानी कि मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं सब। एंड द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर अबाउट इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक रेफर टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन दिस कंट्री। और इसमें क्या आएगा, कोर्ट वाला सिस्टम आएगा। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। तो कहीं एक दूसरे की पावर क्लैश ना हो, कोई आपस में ऐसे मिसयूज ना हो, इसलिए क्या किया गया, एक दूसरे को फुल पावर सेपरेटली दी हुई है, ताकि कोई एक दूसरे की पावर में क्लैशिंग नहीं होगी। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3, ठीक है। तो क्या होता है कि एक चेक है एक दूसरे पे, कंट्रोल। जैसे कि मान लो लेजिस्लेचर का काम क्या है, रूल बनाना, इनका काम क्या है, काम करने का,
पॉलिसीज को, लॉज को इम्प्लीमेंट कराने का। जुडिशरी का काम क्या है, वो ये देखता है कि जो रू, मान लो लेजिस्लेचर जो रूल बना रही है, जुडिशरी यानी कोर्ट ये देखेगा भाई उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन एक्सप्लॉइट तो नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा तो नहीं है उन्होंने ऐसा रूल तो नहीं बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, अगर होगा तो उसको कैंसिल कर देगी। यानी जुडिशरी क्या कर सकती है, इनके कामों को चेक कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है। ओके, तो बेटा इस वीडियो में, आज की क्लास में हमने जो डिस्कशन किया है वो किया है थ्री की फीचर्स का, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। और बाकी के जो पार्ट हैं वो हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म और सारे राइट्स को मैं डिस्कस करूँगा आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से करो। और जो क्वेश्चन आपको अब तक मिल चुके हैं उनको साथ के साथ लर्निंग लगाओ, डेली आप मिनिमम 3 क्वेश्चन तो लर्न करने ही करने हैं आपको, ठीक है। मैं कभी भी आपको टेस्ट भेज सकता हूँ, क्लियर। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।